नमस्कार, दावत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार लाया हूं आज की टॉप हेडलाइंस। हंडवाड़ा मुठभेड़ में सेना ने मार गिराए दो आतंकी। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान शुरू हुई थी मुठभेड़। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की पुख्ता जानकारी थी। मारे गए एक आतंकी की पहचान डॉक्टर मनन बानी एएम स्कॉलर लोलाब कुपवाड़ा से हुई है। एकजुट जम्मू की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। चेयरमैन अंकुश शर्मा ने मीडिया के माध्यम से राज्यपाल से रसाना केस की सीबीआई जांच कराने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच की अर्जी को पहले ही किया है खारिज। बहुत बड़ा हमला था। इसके अलावा और बहुत बड़े हमले हो रहे हैं और उन्हीं हमलों से लड़ने के लिए और खासकर रसाना 35A माइनॉरिटीज़ का इशू और उसके अलावा जो कश्मीरी फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक हेजमनी यहाँ पे परपेचुएट करने की प्रक्रिया चल रही है उससे लड़ने के लिए एक जन आंदोलन जन्म ले चुका है जिसे एकजुट जम्मू के नाम से आप जानते भी हैं और मास मोबिलाइजेशन करने के लिए हमारे प्रयास बढ़ रहे हैं और आप आने वाले चंद महीनों में कुछ समय में देखेंगे कि किस तरीके से एक मूवमेंट पढ़ के सामने आती है जो इन फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स द्वारा आज 40वें दिन भी जारी रहा प्रदर्शन। सरकार द्वारा डिमांड्स पूरी ना किए जाने पे जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने हाफ डे स्ट्राइक करने का लिया फैसला। कहा, महिला अधिकारियों को हक दिलाने में देंगे पूरा सहयोग। प्रोमिला दुबे, फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। हमें यहाँ 46 डेज से एक ही डिमांड्स को लेकर अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं तो सरकार को आज तक इस बात की खबर नहीं है कि हम लोग यहाँ किस चीज के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग सरकार तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि जब तक हमारा ग्रेड, हमारी डीपीसी, हमारा 2211 हेड का परमानेंट सोल्यूशन और हमारी जो रैंक प्रमोशन है नहीं मिलती तब तक हम यहां से ये जो प्लेटफॉर्म है ये छोड़ने वाले नहीं है। ये बात जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट सुशील सुदन, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहां पर बुलाई हुई है कि पिछले 46 दिन से हमारी जो बहनें धरना प्रदर्शन जो पूरे प्रोवेंस में कर रही हैं मगर गवर्नमेंट के कानून में रूं तक नहीं रेंगी है। हमने फेडरेशन ने तीन अहम फैसले लिए हैं। एक तो 15 तारीख को हम जो पोस्ट कार्ड लिखेंगे आने वाले गवर्नर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को, जितने हमारे मेडिकल के लोग हैं कि हमारी भी सुनो। एक दूसरा जो 17 तारीख को जम्मू से लेकर किश्तवाड़ तक, बनाल तक और पुंछ तक जो है आधे दिन की स्ट्राइक रहेगी। तीसरा जो है हम 24 तारीख को हमारी जितनी भी बहनें हैं कठुआ से लेकर बनाल तक हम कश्मीर जा रहे हैं और फेडरेशन के लोग भी साथ जा रहे हैं और वहाँ पर हमने सेक्रेटरी का ग्राफ करना है क्योंकि हमारी मुख्य डिमांड जो है 2-4 उन पर गवर्नमेंट गौर नहीं कर रही है। अगर पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत, पुंछ बॉर्डर पे किया गया संघर्ष विराम का उल्लंघन। कल रात को पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान हुआ गंभीर रूप से घायल। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सेक्रेटरी ऑफ पीएचई फ्लड एंड इरिगेशन द्वारा फ्लड चैनल्स का किया गया दौरा और साथ ही पीएचई अधिकारियों के साथ बैठक कर फ्लड कंट्रोल और बाकी कामों का लिया ब्यौरा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक और पूर्व अध्यक्ष इसरो प्रोफेसर सतीश धवन के नाम पर केंद्र बर्फबारी, भूस्खलन, अवशेष, भूजल जैसे विभिन्न आपदाओं के क्षेत्र में अनुसंधान करने में सक्षम होगा। And those two words are job placement. And therefore, in order to establish an identity of a university, you either have to have an exclusive department or an exclusive research center for which scholars from far and wide come looking for it. And therefore, the university is known for something exclusive which is being for it. Or you have a faculty which is... Director of Chief Husbandry Dwara 450 vacancies bharne ka liya gaya faisla. डॉक्टर सुमन ने जिले के रिक्त पदों के संबंध में जिला अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और भर्ती एजेंसियों से प्रारंभिक रेफरल मांगा। उन्होंने वेकेंट पड़ी पोस्ट को जल्द से जल्द भरने का दिया आदेश।
शोपिया में आतंकवादी द्वारा हुरियत कार्यकर्ता को मारी गई गोली। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि मृत कार्यकर्ता तारिक अहमद सुबह सेब के बगीचे में था, वहीं अचानक से आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी जिसमें कार्यकर्ता को गोली लग गई और मौके पर ही मौत हो गई। ये थी आज की टॉप हेडलाइंस, कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।